Hello students, so we'll understand this question now. The line of action of the resultant of two like parallel forces shifts by 1/4 of the distance between the forces when the two forces are interchanged. The ratio of the two forces is okay. हमें क्या बोल रहा है इसमें कि हमारे पास दो like parallel forces हैं, ठीक है? उनको इस तरह से लगाया जाता है कि उनका जो रिजल्टेंट आता है लाइन ऑफ एक्शन पे वो F1 प्लस F2 आता है, ठीक है? लेकिन जब हम उनको इंटरचेंज कर देते हैं जो रिजल्टेंट आता है वो L/3 मूव कर जाता है, जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो L/3 मूव कर लेता है। तो हमसे पूछा है कि इन दोनों फोर्सेस का रेशियो कितना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, अपना गिवन लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं इसके अंदर। हमें पता है कि जो दोनों जो फोर्सेज हैं वो लाइक एंड पैरेलल हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेज हैं, ओके। एंड जब इंटरचेंज करते हैं, व्हेन इंटरचेंज्ड तो लाइन ऑफ एक्शन शिफ्ट्स बाय L/3। हमें निकालना क्या है इसके अंदर, वॉट वी नीड टू फाइंड आउट। हमें इसमें यह पता करना है कि F1 और F2 अगर हम मान ले फोर्सेस तो उनका रेशियो क्या है। आइए इस कंडीशन को हम पहले ड्रॉ करते हैं कि हमें कहा क्या जा रहा है। हमारे पास दो फोर्सेस हैं जो इस तरह से लगाए गए हैं, F1 एंड F2, ओके। और अगर इन दोनों को रिप्लेस कर दूं मैं और मुझे सिर्फ एक फोर्स लगाना हो तो मैं कैसे लिखूंगा। अगर इसका इक्विवेलेंट अगर मुझे डायग्राम बनाना हो तो इसी लाइन पर अगर सिर्फ एक फोर्स लगाना होता इन दोनों का सम के बराबर तो उसको मैं कैसे लिखता। मान लेते हैं वो कहीं यहां पर इस तरफ आता, F1 प्लस F2। हमने यहां पर अज्यूम किया है कि F1 इज ग्रेटर देन F2, हमारा अजम्पशन है F1 इज ग्रेटर देन F2, ठीक है। कहा है कि लाइन ऑफ एक्शन जो है वो X1 डिस्टेंस पर है इनिशियली, ठीक है, और फाइनली दूसरी कंडीशन में जब हम इंटरचेंज करते हैं तो X2 पोजीशन पे चला जाता है। मान लीजिए कि F1 के अबाउट मैं टॉर्क की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, टॉर्क बैलेंस करना चाहता हूँ, तो आप जानते हो कि F1 जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और F2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अगर ये लेंथ L दिया हुआ है हमें तो टॉर्क की इक्वेशन क्या बनेगी, टॉर्क की इक्वेशन विल बी इक्वल टू F1 इंटू 0 प्लस F2 इंटू L। ये हो जाएगा हमारा टॉर्क इस कंडीशन, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टाउ से। अगर इसी के इक्विवेलेंट का लिखता हूं मैं टॉर्क इक्वेशन, इसी पॉइंट के अबाउट अगर मुझे लिखना है, यहां पे मैंने इस पॉइंट के अबाउट लिखा है, तो क्या लिखूंगा, F1 प्लस F2 टू X1 इज इक्वल टू टाउ, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, F1 प्लस F2 इंटू X1 इज इक्वल टू F2 टू L, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं, ओके। अब हमारे पास क्या कहा है, हमारे पास जो हमने जो फोर्सेस हैं उन दोनों को इंटरचेंज कर दिया है तो कंडीशन क्या बनेगी। अब F2 मेरा इधर आ जाएगा और F1 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट अगर मैं बनाता हूं तो हम जैसे कि अज्यूम किया था कि F1 बड़ा है, F1 हमने अज्यूम किया है कि F1 बड़ा है हमारे पास, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो F1 की तरफ ज्यादा होगा। बना लेते हैं इसको हम, अगर ये F1 इधर था तो रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आएगा और उसका मैग्नीट्यूड F1 प्लस F2 होगा। और अब जो लाइन ऑफ एक्शन है मान लेते हैं वो X2 डिस्टेंस पर आ गया है इस वाले एंड से, ठीक है। हम फिर से इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे,
तो यहाँ से टॉर्क क्या आएगा, इसको टाउ डैश अगर मान ले हम, तो दिस विल प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज टॉर्क, दिस विल प्रोड्यूस अ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एफ टू इंटू जीरो माइनस एफ वन इंटू एल, ये दूरी एल है दोनों के बीच में, और अगर इक्विवेलेंट में हम लिखते हैं तो टाउ डैश इज इक्वल्स टू एफ वन प्लस एफ टू इंटू एक्स टू, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है एफ वन एल, एफ वन प्लस एफ टू इंटू एक्स टू इक्वल टू एफ वन इंटू एल, ये दूसरी इक्वेशन है। वन और टू हमें देखते हैं, तो वन से मिलता है हमें एक्स वन इज इक्वल टू एफ टू एल अपॉन एफ वन प्लस एफ टू, और टू से हमें मिलता है एक्स टू इज इक्वल टू एफ वन एल, एफ वन एल अपॉन एफ वन प्लस हमें दिया है कि दोनों जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, लाइन ऑफ एक्शन है, उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है एल बाय थ्री। बेसिकली हमें एक्स टू माइनस एक्स वन दिया है एल बाय थ्री के बराबर। इस वाली इक्वेशन से हम एक्स टू एक्स वन की अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो व्हाट विल बी गेटिंग, एफ वन एल माइनस एफ टू एल अपॉन एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू एल बाय थ्री। ये एल यहाँ से कट जाएगा सब जगह से, हमारे पास क्या बचेगा एफ वन माइनस एफ टू अपॉन एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू वन बाय थ्री। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा लेते हैं इसके अंदर, एफ वन माइनस एफ टू प्लस एफ वन प्लस एफ टू अपॉन एफ वन माइनस एफ टू माइनस एफ वन माइनस एफ टू प्लस एफ टू इक्वल टू वन प्लस थ्री अपॉन वन माइनस थ्री। वी जस्ट नीड टू सॉल्व दिस नाउ। यहाँ से आप देख सकते हैं टू एफ वन एफ टू एफ टू कट जाएगा, यहाँ से एफ वन कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास बचेगा ऊपर ट्वाइस ऑफ एफ वन, नीचे बचेगा माइनस ट्वाइस ऑफ एफ टू, ये हमारे पास आएगा फोर, जाएगा माइनस टू, माइनस माइनस कैंसिल आउट, टू और टू कैंसिल आउट हो गया। तो एफ वन इज टू एफ टू का जो रेशियो मेरे पास आया वो आया टू बाय वन। ओके, सो द फाइनल आंसर, द रेशियो वी आर गेटिंग, the ratio we are getting is f1 is to f2 equal to 2 is to 1. This is our final answer. Thank you.